गाइस मैं हूं प्रवीण अहीर और मेरे चैनल पे आप सभी का काफ़ी स्वागत है। गाइस आज हम आरसी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई प्लेटिनम प्लेयर्स ही इंपॉर्टेंट है आरसी में या फिर लेजेंड हीरोज इंपॉर्टेंट है। गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो गोल्ड या सिल्वर एंड ब्रॉन्ज में भी काफ़ी ऐसे अच्छे प्लेयर थे जो काफ़ी इफेक्टिव है, बस आपको उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होनी चाहिए। तो आज ऐसी ही कुछ बात लेके मैं आया हूँ। मेरे पास ऐसे 5 बॉलर्स है गोल्ड गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज में से जो प्लेटिनम प्लेयर से काफ़ी बेहतर हैं, बस आपको सही तरीके से उसको यूज़ करना होगा। तो आज मैं ऐसे टॉप 5 बॉलर्स लेके आया हूँ और आपको अगर उनकी ट्रिक्स पता चले तो आप प्लेटिनम प्लेयर्स भी भूल जाओगे। गाइस चलिए तो बात करते हैं ऐसे कुछ 5 बॉलर्स के बारे में। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो गाइस मेरे 5th नंबर के बॉलर है लियाम प्लंकेट जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और गाइस लोगों को नहीं पता रहता कि उनके पास वेरिएशंस है या नहीं रहे, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई लियाम प्लंकेट के पास सारे वेरिएशंस हैं और ये इफेक्टिव इसलिए कि इनका एक्शन कुछ मिचेल स्टार्क की तरह है, आप बोल सकते हो राइट हैंड मिचेल स्टार्क। तो गाइस इसकी स्पेशलिटी ये है कि इनका तेज बॉल उतना ही तेज जाता है और स्लो उससे भी ज़्यादा स्लो आता है जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। और थोड़ा सा आपको बस इस पे ध्यान रखना होगा, इनका पिचिंग सही रहे तो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव बॉलर हो सकते हैं गाइस। और जैसे कि राइट हैंडर को तो ये बहुत परेशान कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंडर को इनका बॉल थोड़ा सा अंदर आता है तो लोग सोचते हैं कि भाई वाइड हो जाएगी, लेकिन वाइड नहीं होती, तो ये काफ़ी स्पेशलिस्ट बॉलर हैं गाइस। 4th नंबर पर मेरी लिस्ट पर आते हैं एनरी नॉर्टजे, जिसको आप मिनी कमिंस भी बोल सकते हो क्योंकि इनका एक्शन काफ़ी कमिंस की तरह है और जो आरसी में भी कमिंस का एक्शन दिया हुआ उनकी तरह ही है। ये गाइस स्पेशलिटी इनकी ये है कि इनका एक्शन कुछ अटपटाता है और इसकी जो रफ्तार होती है मतलब बहुत तेज जाती है गाइस, लोगों को इनकी फास्ट वन समझ नहीं आती, स्लो इनका उतना ही स्लो आता है तो लोग बीट हो जाते हैं अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि स्लो ही आ रहा है, फिर भी काफ़ी स्लो रहता है गाइस, तो ये भी स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। मेरे 3rd नंबर के बॉलर है भाई बिली सेंटले के। गाइस इनका एक्शन प्रो प्लेयर नहीं मतलब लेजेंड प्लेयर जैक कालिस की तरह है और काफ़ी बॉलर्स ऐसे स्टाइल्स के होते हैं लेकिन इनका स्लो रन काफ़ी स्लो है गाइस। रसल भी ये स्टाइल से डालते हैं लेकिन उनका स्लो रन इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इनका है। हाँ लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा तेज आएगा लेकिन बहुत ही स्लो आता है तो जिससे बैट्समैन सोच कर भी आउट हो जाता है स्लोअर पर, बस आपको थोड़ा सा मिक्सअप करना पड़ेगा, उनको कन्फ्यूज़ करना पड़ेगा कि भाई मैं तेज डाल रहा हूँ स्लो डाल रहा हूँ, बस यही ध्यान रखना होगा और पिचिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा गाइस। गाइस मेरे 2nd नंबर पे आते हैं क्रिस मॉरिस, इनको कौन नहीं जानता भाई, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं क्रिस मॉरिस को, लेकिन इनका इनकी स्पेशलिटी कुछ अलग ही है। इनका एक्शन पूरा सा डेल स्टेन की तरह है और इसकी स्ट्रेंथ भी डेल स्टेन की तरह ही है गाइस। इनका पिचिंग सही होता है, लोग सोचते हैं कि कटर आ रहा है लेकिन कटर नहीं रिवर्स निकलता है क्योंकि इनका बाउंस बहुत ही लो है, और जैसे कि लोग सोचते हैं भाई वन बाउंस हो जाएगा यहाँ से वहाँ से भी कटर्स में वन बाउंस नहीं होता, तो इनकी काफ़ी ये स्पेशलिटी है। बस इनको ग्रीन पिच पे काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा आपको। और मेरे 1st नंबर के भाई जुनेद खान, जिनको आप बोल सकते हो कि मिनी बोल्ट गाइस, इनका एक्शन प्योर बोल्ट की तरह है और इनकी स्ट्रेंथ भी बोल्ट के बराबर की है गाइस। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इनके पास एक अलग बॉल रहता है लेफ्ट हैंडर के लिए, जो बाहर जाती हुई बॉल वो उनको ऑफ साइड में वो लोग नहीं मार सकते, और इनका स्लोअर वन काफ़ी इफेक्टिव है गाइस। अगर आप लोगों बॉलर्स या बैट्समैन के साथ ब्लफ भी कर सकते हो एकदम स्लो बॉल रख के तो काफ़ी स्लो निकलता है, और इनको ऑफ साइड में मारना भाई लेफ्ट हैंडर के लिए काफ़ी रन। तो गाइस यही मेरे टॉप 5 बॉलर्स थे जो गोल्ड कैटेगरी ब्रॉन्ज या सिल्वर से बिलोंग करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं ज़रूर आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।